नमस्ते दोस्तों, चमत्कारी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, घर से निकलने से पहले करें ये काम तो बनेंगे सारे काम। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे YouTube चैनल चमत्कारी टोटके को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, कई बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका कोई काम नहीं बन पाता है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के कुछ उपायों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने दिन को खराब होने से बचा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप किसी अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अगर कुछ उपाय किए जाएं तो हमें कार्य में जल्द ही सफलता मिलती है। ऐसे में आज हम उन वास्तु उपायों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें करने से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सोमवार, वास्तु के मुताबिक अगर आप सोमवार को कोई खास काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो निकलने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखकर निकलें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा। मंगलवार, अगर मंगलवार को आप कोई खास काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर निकलें। जैसे बेसन के लड्डू या गुड़ खाकर जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। बुधवार, अगर बुधवार को आप कोई खास काम करने के लिए निकल रहे हैं तो हरी धनिया की पत्ती खाकर निकलें। ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलेगी। गुरुवार, अगर गुरुवार को कोई खास काम करने के लिए निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले सरसों के कुछ दाने मुंह में डालकर निकलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुक्रवार, अगर शुक्रवार को आप किसी खास काम करने के लिए जा रहे हैं तो दूध से बनी चीजों को खासकर दही खाकर जाएं। शनिवार, अगर आप शनिवार को आप किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो आप अदरक या घी खाकर निकलें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा। रविवार, अगर रविवार को किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं तो पान का पत्ता अपने पास रख कर निकलें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। तो ये थे मित्रों, घर से निकलने से पहले करें ये काम तो बनेंगे सारे काम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।